हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और दोस्तों आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बना रहे हैं अवोकाडो सालसा। हमने अच्छे पके हुए अवोकाडो ले लिए हैं, जो इस प्रकार से है। इसके लिए हम काटने वाले हैं चॉप ऑनियन इस तरह से। ये हमें ऑनियन चॉप कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालने वाले हैं टमाटो, जो कि हमने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और इसके बाद हमने इसको कटिंग करके सीज लेस कर दिया है इस तरह से। और अब हम इसको करने वाले हैं चॉप कटिंग। और इस तरह से हो गए हमारे टमाटो चॉप। और अब हम इसमें डाल लेंगे ग्रीन चिली चॉप। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप कोरिएंडर। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने अवोकाडो को कट कर दिया है। और इसकी जो गुठली होती है, इससे हमने इसको निकाल दिया है। और अब हम इसको करने वाले हैं फाइन चॉप। फाइनली दोस्तों, तैयार हो गया है हमारा अवोकाडो पेस्ट। और ये तैयार है हमारा लेमन जूस। इसमें डालने वाले हैं हम चॉप ऑनियन, चॉप टमाटो, चॉप ग्रीन चिली, चॉप कोरिएंडर। सारे मिक्सचर को हम एक साथ मिलाने वाले हैं। सारे मिक्सचर को हमने मिक्स कर दिया है। इसमें हम डालने वाले हैं सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस। फाइनली दोस्तों, हमारा अवोकाडो सालसा बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया, सीजनिंग, सॉल्ट, पेपर, चाट मसाला। और इस तरह से हमने ये ग्लेज तैयार कर दिया है। ये बन गया हमारा अवोकाडो सालसा। और दोस्तों, हम अब इसको स्टफिंग करके आपको बताने वाले हैं हमें इसको किस तरह से सर्व करते हैं। तो दोस्तों, हमने ले लिए एक गार्लिक ब्रेड, और गार्लिक ब्रेड के ऊपर हम इसको स्टफ करने वाले हैं इस तरह से। इसमें डालने वाले हैं हम चॉप कोरिएंडर, पोमोग्रेट, ग्रीन चिल्ली, चेरी टमाटो, फेटा चीज और बाल्समिक रिडक्शन। तो फाइनली दोस्तों, हम इसको सर्व करते हैं कुछ इस तरह से, एक ब्रेड टोस्ट के ऊपर। और ये हो गया हमारा अवोकाडो टोस्ट इस तरह से, जो कि गेस्ट के लिए एकदम रेडी है। और हम इसको गेस्ट को इस तरह से सर्व करते हैं, अवोकाडो टोस्ट। दोस्तों, इस प्रकार से बन गया है अवोकाडो क्रिस्पी टोस्ट। अवोकाडो क्रिस्पी टोस्ट, ये बन गया हमारा अवोकाडो क्रिस्पी टोस्ट। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में, आपके लिए लेते आएंगे नए नए वीडियोस, नई नई रेसिपी। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।